नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर शिशुपाल सिंह यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में और हम इसके बारे में जानेंगे कि यूजेस, डोजेस, साइड इफ़ेक्ट, ब्रांड नेम और ड्रग इंट्रैक्शन, कौन कौन ड्रग के साथ हम इसको दे सकते हैं और नहीं दे सकते, और इसे प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या नहीं। चलिए तो थोड़े हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में जान लेते हैं। यह बैक्टीरिया के सिंथेसिस को रोकती है जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता, और यह मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक है, और यह बैक्टीरियाटिक इन नेचर की होती है जो राइबोसोम एस के साथ जुड़कर प्रोटीन निर्माण को रोकती है। इसके यूजेस के बारे में देखें हम तो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यह इसका अच्छा रिजल्ट है वो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और यह मिडल ईयर इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कॉमन कोल्ड में, निमोनिया में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रेगनेंसी में इसको नहीं ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में सेफेक्सिम एकमात्र ऐसी सेफ एंटीबायोटिक है, बाकी और कोई सी एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में नहीं ली जाती। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है सेफेक्सिम के बारे में, यदि आपको जानना है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप सेफेक्सिम टेबलेट के बारे में जान सकते हैं। उसके ब्रांड नेम की बात करें हम तो एजीबेंट, एजीकेम, एजी, एजेसिप, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे इसके डोजेस और यह कौन कौन से एमजी में मार्केट में अवेलेबल है, तो यह 500 mg, 250 mg, 100 mg में मार्केट में अवेलेबल है। और यदि हम डोजेस की बात करें तो एडल्ट व्यक्ति के लिए 500 mg दिन में एक बार, और इसको 250 mg सुबह शाम भी ले सकता है आदमी। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, और डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं इस टेबलेट का प्रयोग करते समय। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें कि कौन कौन से टेबलेट के साथ इसको नहीं दे सकते हैं, तो हम एंटा एसिड के साथ इसको नहीं दे सकते, डिगोक्सिन के साथ इसको नहीं दे सकते, कैल्सिसिन जो कि गठिया में प्रयोग की जाती है इस टेबलेट के साथ हम इसको नहीं दे सकते, फेनिटोइन जो कि मिर्गी में प्रयोग की जाती है इस टेबलेट के साथ भी हम इसको नहीं दे सकते, एस्टिमिडाजोल, एबास्टिन, मिजोलास्टिन, टर्फेनाडिन, इन सब टेबलेट के साथ हम इसको नहीं दे सकते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इन टेबलेटों के साथ आपको इसको नहीं देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो को करें लाइक, अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।